लिए खुशखबरी है, आप लोगों के बीच में से पेशेंट माया बदन सिंह जी हैं कल्याणपुर कानपुर से। मैरिज को 6 साल से ज्यादा हो रहा है, उम्र भी ज्यादा है और तमाम ट्रीटमेंट इलाज के बावजूद ये कंसीव नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की सफलता को सुना, यहाँ के ट्रीटमेंट करने के तरीके को दूसरे पेशेंटों से सुना और ये भी सुना कि यहाँ पर ज्यादातर पेशेंटों को पहली बार में ही सफलता मिलती है। आज के टाइम पे आईवीएफ सेंटर बहुत सारे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको वहां पे सफलता निश्चित मिले। जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आईवीएफ की करने की टेक्नोलॉजी इस तरीके की है, ज्यादातर पेशेंटों को यहाँ पर सफलता मिलती है और उनमें से ज्यादातर पेशेंटों को पहली ही बार में सफलता मिलती है। माया बंदन जी भी उन्हीं पेशेंटों में से हैं, इन्हें भी पहली ही बार में सफलता मिली है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्रिपलेट प्रेगनेंसी आई है, 3 बच्चे आए, सभी लोग इनके लिए क्लैपिंग कर दें। किसी भी पेशेंट के लिए बड़ा खुशी का पल होता है, इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा होता है इस खुशखबरी को सुनने के लिए और अपने हर डॉक्टर से अपेक्षा करता है कि वो डॉक्टर बोलेगा कि अब आप भी कंसीव कर सकते हैं, लेकिन ये खुशी ये सफलता सिर्फ और सिर्फ जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और यहाँ का आईवीएफ का ट्रीटमेंट देता है। जावित्री में बहुत सारे पेशेंट इस उम्र में आते हैं जिसमें पेशेंट पूरी तरीके से निराश हो चुका होता है, सफलता की आस नहीं रहती है, फिर भी यहाँ की टेक्नोलॉजी इस तरीके की है कि ज्यादा उम्र के पेशेंटों को भी निश्चित सफलता मिलती है। माया जी बंदन जी आप बताइए आपके लिए खुशखबरी कितना मायने रखती है, 3 बच्चों के रूप में जो खुशखबरी मिली है डॉक्टर ने सुनाई है, लंबे समय से आपको इस खुशखबरी का इंतजार कर, यहाँ की टीम को क्या कहेंगे, डॉक्टर को क्या कहेंगे, अपने शब्दों में जो खुशी है वो हम लोगों से बताएं। अरे बहुत बढ़िया बधाई हो, अच्छी तरह सबको बधाई हो भाई, खुश हैं आप लोग जी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास वो शब्द नहीं होते हैं कि क्या कहें, लेकिन आप उनको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए खुशी कितना मायने रखती है। और सबसे मैडम एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए माया बंदन जी को। सभी लोग एक बार और क्लैपिंग करेंगे माया बंदन जी की सफलता के लिए, उनके बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को।